आज थोड़ी देर पहले पढ़ा था सम्मान के बारे में। सम्मान के बारे में कुछ बात पढ़ी क्या? दूसरा मेरे जैसा बात अगर अपने को ध्यान में रखनी है, दूसरा मेरे जैसा प्रधानमंत्री से बात भी करते हैं तो भी एक बार ध्यान में रहे कि वो भी मेरे जैसे क्या मेरे जैसे उनका लक्ष्य भी मेरे जैसा जैसे मैं सुखी समय होना चाहता हूँ वो भी सुखी समय होना चाहते हैं। मैं सही समझ के सही जी के सुखी होती हूँ वो भी सही समझ के सही जी की ही होती है। मेरे से भी निरंतर कल्पना सीखता है, मेरे निरंतर कल्पना सीखता है। तो लक्ष्य कार्यक्रम क्षमता के आधार पर धर्म और प्रधानमंत्री दोनों अलग अलग है एक जैसे अंतर हो सकता है। तो किसमें योग्यता कहीं हमारी योग्यता हो सकती है कहीं उनकी अधिक हो सकती है। अधिक है तो हम समझे कि सीखे कम है तो बता भी देंगे आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर इतनी बात ध्यान में रखते हैं दूसरा मेरे जैसा है तो किसी से भी बात किया जा सकता है आत्मविश्वास के साथ। आत्मविश्वास के साथ बात करने में फिर हमको अंदर से ये भी लगता है कि कोई बड़ा आदमी बोल रहा है कोई छोटा आदमी बोल रहा है। सबका कुंडल हमारे जैसा है, क्षमता हमारे जैसा है, पवित्र हमारे जैसा है। लेकिन जब हम आत्मविश्वास को नहीं समझ पाते, दूसरे को अपने जैसा नहीं देख पाते, दूसरे को पद के आधार पर या शरीर के आधार पर कुछ छोटा बड़ा मानने लगते हैं, तो हमसे कोई उम्र में छोटा आ जाता है तो खड़े हो जाते हैं, कोई उम्र में बड़ा आ जाए तो भूखे खड़े हो जाते हैं। ये आत्मसम्मान नहीं है, ये रिलेटिव कॉन्फिडेंस। आपको रिलेटिव कॉन्फिडेंस है सिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस में होने से बड़े का भी सम्मान कर पाते हैं, बड़े पद वाले का भी और छोटे पद का भेद नहीं रहेगा। इसलिए एकदम आराम से हम लोग किसी से भी बात करें, आराम से बात करने का मतलब क्या अपमान करने लगे ठीक हो जाएगा। बात करें जैसे उदाहरण दे रहे, जैसे पहले दिन जो आप लोगों से बात हो रही और आज जो बात हो रही, आज ज्यादा आराम से आप लोग सवेरे से बात कर रहे हैं, कल बात कर रहे हैं, पहले दिन कर रहे हैं हमारे साथ। पहले दिन तो आप लोग बहुत चुप बैठे थे, धीरे धीरे जब आप उस बात की तरफ ध्यान देने लगते हैं कि दूसरा मेरी जैसा है, किसी के साथ भी बात कर सकते आदमी तो है, उसका लक्ष्य मेरे जैसा है, क्षमता मेरे जैसा है, योग्यता अधिक होगी तो समझ लेंगे, कम होगी तो समझा देंगे और क्या है। बिल्कुल आशा है हमारे लिए आवश्यकता है किसी के लिए। परिवार में व्यवस्था करके बात की, परिवार में व्यवस्था की जब बात कर रहे थे, परिवार की व्यवस्था में बात करते समय गौरव में बात की आपके कृतज्ञता को समझे, अगर कृतज्ञता को समझे तो कृतज्ञता में हमने लिखा है यहाँ पर कि जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया है उनके प्रति तो जिन्होंने इस बात के लिए प्रयास किया है आप में श्रेष्ठता आ जाए, आप श्रेष्ठ हो जाए। तो जब हम देख पाते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने इस बात के लिए मेहनत किया है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तो उन सभी के प्रति जो स्वीकृति का भाव आता है उसी को क्या कहा। जैसे अगर हमने देख पाते हैं कि हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो हमको समझदार बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो समझदार बना रहे हैं तो ये आपकी श्रेष्ठता को सुनिश्चित कर रहे हैं। अगर ये देख पाते हैं तो उनके प्रति जो भाव आता है तो कौन सा भाव आता है, मेरे को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करें। फिर जब ये देख पाते हैं आप कि आपकी माता जी सुबह उठकर आपके स्कूल आने से के लिए आपसे पहले उठकर पूरी तैयारी करके नाश्ता बना के बैग पैक तब आकर के आप स्कूल में पढ़ाई कर पाते हैं, तो श्रेष्ठता आप में श्रेष्ठता आ जाए इसमें आप आपकी माता जी भी कुछ सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप देख पाते हैं तो माता जी के लिए भी जो भाव आएगा वो कौन
आएगा। सुबह उठ के आपके लिए सब भोजन तैयार करके आपकी सारी तैयारी करके ना देती तो आप सारा के स्कूल चले जाता याद आ वही कृतज्ञता शिक्षकों के लिए महसूस हो रहा है, वही कृतज्ञता माता जी के लिए भी महसूस होने लगी। पिताजी भले घर में बात नहीं कर पाते लेकिन दिन भर बाहर जाकर कुछ करते हैं, कई काम करते हैं, कभी कोई नौकरी करते हैं, कभी कोई व्यवसाय चलाते हैं, 8 घंटे 10 घंटे बहुत सारा निकल करते हैं, वहां से कुछ धन कमा कर लाते हैं, तो उससे फिर भोजन आपके लिए भी आता है, घर के बाकी लोगों के लिए भी आता है, माता जी के लिए भी आता है, सबके लिए आता है, सबके आते हैं, आपकी पढ़ाई की संसाधन किताबें ये सब आती है। पिताजी भले सीधे सीधे नहीं पढ़ा रहे लेकिन कितना आपकी व्यवस्था करके दे रहे हैं तब तो आपके समझदारी का कार्यक्रम चल पा रहा है। तो ये कृतज्ञता का भाव सिर्फ शिक्षक और माता जी के लिए ही होता कि धीरे धीरे वो हमारे पिताजी के लिए शिक्षकों के लिए तो कृतज्ञता का भाव बहुत आसानी से मिल जाता है लेकिन आप हर रोज जब इस क्लास से जाते हो क्लास को चर्चा कर जाते हैं समाई ना होगी तो आज कमरे की क्या बदबू भी आ रही है क्या मैं करता हूँ आप करते हैं कोई तो करता होगा जो सफाई कर रहा है वो आपकी समझदारी बढ़ने में कुछ सहयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा होता तो आके सुबह सुबह घंटे भर हम लोगों को लगकर सफाई करनी पड़ती तब तो जाके सीट पे बैठ पाते। तो जो सफाई करते हैं हम अगर ये देख पाते हैं कि वो भी सीधे सीधे हमारी समझदारी बढ़ने में कोई ना कोई सहयोग उनके प्रति भी जो हमें भाव आया वो कौन सा भाव आया भाव आया क्या ये भाव रहता है आपके प्रति कृतज्ञता का या ध्यान ही नहीं रहता ध्यान रहता है या नहीं रहता है पहले कृतज्ञता समझ में आ गए क्या कि आप श्रेष्ठ होना चाह रहे हैं। बहुत सारे लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आप श्रेष्ठ हो जाओ। तो आपके शिक्षक प्रयास कर रहे हैं इस तरह से, माता जी प्रयास कर रहे हैं इस तरह से, पिताजी प्रयास कर रहे हैं इसी तरह से, और आप देखेंगे जो स्कूल में जो साफ सफाई कर रहे हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं चौथे तरीके से, अलग अलग तरह से लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर इस पूरी जुड़ाव को आप देख पाते हैं कि ये सब लोग इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि मैं श्रेष्ठ हो जाओ, मेरे में श्रेष्ठता आ जाए, मेरे में समझदारी जिम्मेदारी आ जाए, मेरा जीना सुखमय हो जाए, इसके लिए सब प्रयास कर रहे हैं। तो सबके प्रति जो स्वीकृति का भाव आया उसी को क्या कहा आपने अपने तरफ से कुछ उदाहरण बता सकते हैं कि हमको इनके इनके प्रति कृतज्ञता महसूस होती है और तीन चार उदाहरण कुछ और उदाहरण आपको बता सकते हैं जिससे आप ये बता पाए इनके लिए कृतज्ञता और महसूस होती है क्योंकि हमारे लिए उन्होंने ये सहयोग दिया है। कोई उदाहरण बता सकते जैसे आप उनसे कोई होमवर्क करता है कई बार आप कर पाते हैं कई बार घर में जाके अपने बड़े भाई बहनों से चर्चा करते हो तो आपका सहयोग करते हैं नहीं करते हैं तो वो भी आपकी समझदारी पढ़ने में कोई सहयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं तो कृतज्ञता का भाव उनके लिए होगा कि नहीं होगा और किसी का
आज के दिन का। ऐसे ऐसे वर्कशॉप में आप लोग समझने का बहुत सारा काम करते हैं। कौन कौन लोग हैं जिनके प्रति आपको कृतज्ञता का भाव महसूस हो रहा है? क्या कहेंगे? ये सामने होता है तो बहुत जल्दी दिख जाता है, सामने नहीं है उसका जैसे अगर दोपहर में भोजन की व्यवस्था लोग नहीं कर पाते कुछ लोग तो भोजन की व्यवस्था करते नहीं आपका करते हम लोग तो दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, वो जाते हैं भोजन बनाते हैं बना के लाते हैं फिर परोसते हैं फिर आपके दूसरे बर्तन उठा के ले जाते हैं फिर धुलवाते हैं फिर वापस जो है लेके आते हैं, तो ये जो खाना बना रहे होंगे कहीं अभी तक कोई उठा के ला रहा होगा आपको परोस रहा है आप खा रहे हैं फिर दूसरे बर्तन आपको उठा के ले जा रहे हैं धुला है रोज कोई ना कोई कुछ कर रहा है ना आपके लिए भले आपको नहीं दिख रहा लेकिन कर तो रहा है अभी तो यहाँ बैठ के हम लोग दिन भर चर्चा कर पाते हैं तो उन सबके प्रति कृतज्ञता का भाव होगा नहीं होगा। अगर आप देख पाएंगे तो जो खाना परोस रहा है उसके साथ भी कृतज्ञता का भाव आएगा, जो खाना बना रहा है कहीं दूर उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव आएगा, जितनी दूसरे प्लेटे लगभग 60 प्लेटे दूसरे हो जाती है, अगर एक आदमी को आपको धोना हो 60 प्लेट दूसरे क्या हालत हो जाएगी दिक्कत हो जाएगी ना, कोई तो बुरा होगा क्योंकि अगले दिन फिर साफ देख लेती है तो उसके प्रति कृतज्ञता का भाव आएगा कि नहीं आएगा? और बताइए तो जिसके प्रति आप महसूस करते हैं कृतज्ञता का भाव, मम्मी पापा और भैया उसका बहन हमको क्लास रोकनी पड़ेगी आपके गेट पे कुछ करते हैं 10 तक 15 मिनट ब्रेक है ये सब तो रोज होने वाले काम है ना, आप बस समय की बात करेंगे तो जैसे आप लोग अभी दोपहर में लंच के बाद चाय पी चाय के लिए तो आपके घर से या मेरे घर से तो आता नहीं है तो आता होगा आप क्या आता होगा उसका दूध निकल के आप पका रहा है उसको आप खा ले रहे हैं या भोजन में प्रयोग कर रहे हैं तो उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव आएगा क्योंकि फिर आप खाते खाते पीते पाएंगे समझदारी भी नहीं तो उस गाय के प्रति दूध भैंस के प्रति इसका दूध आप तक पहुंच रहा है ये कृतज्ञता उसके लिए भी होगी और सिर्फ उसी के लिए होगी। अब वो गाय भैंस जो है पहले पहले तो सिर्फ दूध देती नहीं होगी, कोई तो होगा जो चारा काट के लाता होगा चारा बोता होगा दूध निकालता होगा उसका गोबर देता होगा ये हम आपको करने नहीं जा रहे कोई तो कर रहा है तो वो जो कर रहा है वो करके दूध निकाल के डेयरी तक पहुंचा रहा है या आपके घर तक पहुंचा रहा है या हमारे घर तक पहुंचा रहा है कम मिल रहा है ना, तो जो दूध पहुंचाने आ रहा है उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव होगा कि नहीं होगा? तब तो चलता है ना, आप जो ड्रेस पहनी किसी ने उसको सिला होगा किसी ने उसको बनाया होगा कपड़े बनाए होंगे किसी ने सिला होगा स्वेटर आपको पहने उसको किसी ने पहनाया बनाया होगा तब तो आपका आया
तो उसके प्रति भी कृतज्ञता का भाव होगा कि नहीं होगा। तो कृतज्ञता का भाव ठीक से देखते जाएंगे तो सिर्फ शिक्षकों के लिए और माता पिता के लिए नहीं होगा कि बहुत सारे लोग जो हमको नहीं दिखते लेकिन हमारे समझदार जिम्मेदार होते हैं इसलिए कॉपी पेन बनाया है आपने डाला है तब तो आप लिख कर पाए बोर्ड किसी ने बनाया है बॉटल किसी ने बनाया है जूते किसी ने बनाया है स्कूल भी किसी ने बनाया है चेयर किसी ने बनाया है बेंच किसी ने बनाई है माइक भी किसी ने बनाया है। कितने सारे लोग हैं जो हम लोग की समझदारी से कितने सारे लोगों का जुड़ाव है ना तब तो जाके हमारी समझदारी जिम्मेदारी का तो काम हो रहा है। सबके प्रति जो संस्कृति के भाव को देख पाते हैं ये सब हमारे श्रेष्ठ बनने में सहयोगी है। तो इन सबके प्रति जो संस्कृति का भाव आया उसी को क्या कहा आप ध्यान देंगे और कोई बात बता सकते हैं इनके प्रति आपको कृतज्ञता हो सकती है कोई आपको स्कूल छोड़ने आता है तभी तो कर्मशीलता में दिखता है तो कर्मशीलता समझ में आती है डॉक्टर भी हमारे शरीर का ना बीमार होने पर ध्यान देता है तभी हम स्वस्थ होकर वापस दो दिन में पढ़ाई करने लग जाते हैं नहीं तो पांच छह दिन पड़े रहते तो डॉक्टर के लिए भी कृतज्ञता का पुलिस वाले जो है सड़क पर व्यवस्था बना के रखते हैं नहीं तो जाम लग जाए हम सब आए थे तो टाइम पे स्कूल ही ना पहुंच पाए पुलिस वाले तो करते भी कृतज्ञता का समस्या ये होती है कृतज्ञता के भाव को समझने कि कई बार हम 10 चीजों की किसी से अपेक्षा करते हैं ये 10 काम कोई हमारे लिए करे उसने 8 कर दी और 2 नहीं तो हमारा ध्यान किस पर पहले जाता है और इतना गहरे से ध्यान जो नहीं किया पे जाता है कि जो 8 किया उसका ध्यान ही नहीं है तो जो नहीं किया उसको लेकर हम झगड़ा शुरू कर देते हैं बजाय इसके कि जो 8 किया है उसके लिए कृतज्ञता को देते हैं। जैसे आप यहाँ से लंच में या शाम में घर गए मम्मी ने बर्तन धोए होंगे खाना बनाया होगा बर्तन धोया होगा खाना बनाया होगा ये सब बना करके आपको रखा होगा और आपको उसे परोस के थाली में नहीं दिया आपको गुस्सा आएगा
बर्तन धोना, सफाई करना, चूल्हा साफ करना, उसको कुकर में से या कढ़ाई में से निकाल के आपके थाली में परोस के देना है, तो उसके अंदर 2% काम भी नहीं होगा, 10% भी नहीं होगा, है ना। ये 2% या 10% नहीं हुआ, ये आपको दिखता है, पीछे का 90% हो गया है, ये आपको नहीं दिखता। इसलिए 2% वाले के लिए झगड़ा होना या गुस्सा क्यों है, अगर ये दिख जाए तो उसने 90% दिया है, 95% दिया है, ये 2% निकाल के नहीं दे पाए, तो अब हम उसका सहयोग करेंगे या झगड़ा करेंगे, सहयोग शुरू हो जाए। आपको लगने लगता है कि इतना क्लियर हो गया, आपको कुछ चाहिए पानी वानी दवा हुआ तो आपको दे देते हैं, उसका जितना उसने किया है अगर आपको दिख जाता है तो आपको सहयोग का भाव आता है, लेकिन जितना नहीं हुआ है उतना ही दिखता रहता है, जो हुआ है उतना नहीं दिखता, तो फिर कृतज्ञता का भाव ये बात समझ में आ रही। इस तरह की गलती कई हम करते हैं, जहां 10 चीज की आपने अपेक्षा की, 8 उसने कर दिया और 2 उसने नहीं किया, तो आप जो 2 नहीं किया उसको लेके झगड़ा करते रहते हैं, ऐसा कभी गलती कृतज्ञता को ना समझने के कारण नहीं था। Thank you.
contribute. परिवार व्यवस्था का ये आखिरी भाव है। परिवार व्यवस्था का ये आखिरी भाव जिसको कह रहे हैं आपको समझ पूर्वक जीना सहज स्वीकार है क्या? एक के साथ अनेक के साथ हम हर एक के साथ तो आपको अगले लिखा सम्मान पूर्वक बिना सह स्वीकार है क्या? क्या उत्तर है? सम्मान पूर्वक बिना सह स्वीकार है तीन विकल्प है, तीन में से किसी एक को सही बताना है। एक के साथ, अनेक के साथ या हरेक के साथ? हरेक के साथ। जैसे हरेक के साथ संबंध पूर्वक जीने की आपकी सहज स्वीकृति है, इसी को क्या कह रहे हैं? हरेक के साथ संबंध पूर्वक जीने की आपकी सहज स्वीकृति है, इसी को क्या कह रहे हैं? एक एक मनुष्य के साथ ही संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या पशु पक्षियों के साथ ही संबंध? पशु पक्षियों के साथ ही संबंध। मानव और पशु पक्षी ही या पेड़ पौधों के साथ? पेड़ पौधों के साथ ही। हर एक इकाई के साथ जो संबंध पूर्वक जीने की हमने कह सकती है उसको क्या कहते हैं? आदमी के साथ भी, पशु पक्षियों के साथ भी, पेड़ों के साथ भी जो संबंध पूर्वक जीने की तय स्वीकृति है उसको क्या कहा? शुरू तो मानव के साथ होता है, धीरे धीरे पशु पक्षी, धीरे धीरे पेड़ पौधे है ना, धीरे धीरे अन्य चीजें होती है। हर एक के साथ जीने की स्वीकृति है उसको क्या कहा? अब हम लोग छोटा सा ब्रेक करेंगे। ब्रेक के दौरान अब आप लोग जितने भाव पढ़ेंगे विश्वास का, समाज का, स्नेह का, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव और कृतज्ञता और प्रेम, हर एक भाव के बारे में आप सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कि इनके क्या उदाहरण है। जैसे कहाँ कहाँ आप विश्वास को देख पाते हैं, यहाँ विश्वास को देख क्या यहाँ मिले, यहाँ हमारा सम्मान हुआ, यहाँ सम्मान, यहाँ स्नेह का, यहाँ यहाँ पर सम्मान का कोई एक उदाहरण बता सकता है कि जिसमें तो लगा हो सम्मान है और ये उसका सम्मान हुआ हो कहीं ऐसा उसको लगता हो उसका कोई एक कभी 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 ममता का परिवार बता सकते क्योंकि ब्रेक में सोता ही नहीं मिलते बता पाएगा। वात्सल्य का परिवार सोचिएगा
हरेक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव, हरेक को संबंधी के रूप में स्वीकारने का भाव। तो पूछा गया आपको कि आपको संबंध को बस जगह सह स्वीकार है क्या, तो क्या उत्तर आया था? एक के साथ, अनेक के साथ या हरेक के साथ? हरेक के साथ। तो नौ भाव होंगे, नौ के नौ भाव को अगर आप देखते जाए तो इसमें विश्वास का भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर विश्वास सम्मान के लिए नहीं हुआ तो बंदा आश्चर्य नहीं होगा, गौरव का कहता नहीं होगा। ये सारे भाव इस पर टिके हुए, इसलिए विश्वास के भाव को कहा आधार भूमि। आधार का आधार किसे कहते हैं समझते हैं? आधार आधार जैसे फ्लोर पे उसके नीचे का आधार पहला फ्लोर है, उस पहले फ्लोर का भी आधार उसकी नींव नीचे जो जमीन के, अगर वो नींव में ठीक होती तो नीचे वाली बिल्डिंग ठीक नहीं होती, ऊपर वाली बिल्डिंग ठीक नहीं होती। पूरी बुंदी ठीक बनी रहे उसके लिए क्या ठीक बने रहने जरूरी है? अगर नीचे की नींव खराब हो जाए तो पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। ऐसे ही संबंधों में नौ भाव तो है लेकिन सबसे आधार का भाव कौन सा है? विश्वास। इसलिए इसको कहा आधार भूमि। बुद्ध कह रहे हैं या आधार भूमि भाव। एक बार विश्वास होता है तो और प्रेम को क्या कहा? पूर्ण मूल्य। पूर्ण मूल्य का मतलब क्या हुआ? पूर्ण का क्या मतलब हुआ? पूरा किसी काम का पूरा हुआ। तो हमारे अंदर सभी के लिए संबंध का भाव आ गया तो संबंध वाले ने भाव का काम क्या हो गया? पूरा हो गया। किसी को क्या कहा? पूर्ण। तो हर एक व्यक्ति के लिए संबंध का भाव विकार हो गया, पेड़ पौधे पशु पक्षी मिट्टी पानी हवा सबके साथ संबंध का भाव विकार हो गया, किसी को क्या कहा? भाव में पूर्ण हो जाता, किसी को कहा प्रेम का। ये शुरू कहां से हो जाओ? विश्वास। विश्वास बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रहे? विश्वास आधार मूल्य हुआ और प्रेम। अगर मैं पूछूं विश्वास आधार मूल्य क्यों है? क्योंकि उसके बिना बाकी के भाव संभव नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति पर का सम्मान करना बड़ा कठिन है जिसका आत्मविश्वास नहीं है। किसी ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना बड़ा कठिन है जिस पर हम विश्वास नहीं करते, स्नेह करना भी कठिन है जिसके जिसके लिए सम्मान और विश्वास नहीं। तो विश्वास हुआ आधार और पूर्ण मूल्य क्या हुआ? प्रेम। क्यों हुआ पूर्ण मूल्य? ऐसे नौ भाव के आधार पर हमारा परिवार व्यवस्था सुनिश्चित होता है। ऐसे नौ भाव के आधार पर हमारा परिवार व्यवस्था पूरा होता है। इन नौ भाव का अगर आपस में आदान प्रदान करना हो तो सुविधा की कोई जरूरत है क्या? जैसे विश्वास का आदान प्रदान करना, सम्मान का, स्नेह का, प्रेम का, कृतज्ञता का, इन भावों के आदान प्रदान में कहीं सुविधा की कोई आवश्यकता है क्या? सिर्फ एक भाव इसमें ऐसे है जिसमें कोई सुविधा की आवश्यकता कोई बना सकता है। नौ के नौ भाव में से कोई सिर्फ एक भाव ऐसा है जिसके निर्वाह के लिए कोई सुविधा की आवश्यकता है। हम नौ भाव दे दो तो कोई तो आ ही जाएगा।
जैसे अगर मुझे आपके शरीर का पोषण और संरक्षण करना है तो पोषण करने के लिए कुछ खिलाना पड़ेगा, आपके शरीर का पोषण करना है तो खिलाना पड़ेगा, संरक्षण करना है जाने को रक्षा करना है तो कुछ धोखा कराना पड़ेगा, बाकी भावों में सुविधा की आवश्यकता नहीं करेगी। स्पष्ट हुआ? अब हम लोग थोड़ी बात करेंगे न्याय के बारे में। न्याय शब्द को सुनाया आपको? यस सर। न्याय का मतलब है मानव मानव संबंध की पहचान, संबंध का निर्वाह और उसका मूल्यांकन। मूल्यांकन का मतलब उसको जांचना, मूल्यांकन का मतलब उसका जांचना और उससे होने वाला उभय मानव मानव संबंध की पहचान होना, उसका निर्वाह होना, मूल्यांकन होना और सिर्फ एक ही सुखी हो, दोनों सुखी हो, दोनों सुखी हो, किसी को कहा उभय सुख। उभय सुख न्याय हम परिवार में चाहते हैं कि नहीं, सिर्फ परिवार में ही चाहते हैं या पड़ोस के सभी परिवारों के साथ, पड़ोस के ही सिर्फ सभी परिवार के साथ चाहते हैं कि पूरे देश के सभी परिवारों के साथ, देश या पूरा देश, पूरा देश तो परिवार से लेकर विश्व परिवार का न्याय हम चाहते हैं परिवार से लेकर विश्व परिवार, परिवार से लेकर विश्व परिवार। न्याय कहाँ से कहाँ तक? परिवार से विश्व आपके साथ विश्वास का हो,
आपके साथ सम्मान से नाम प्रस्तुत हो तो सुखी होते दुखी होते दुखी। तो इन नौ भाव जो है कहाँ से लेके कहाँ तक विश्वास से लेके प्रेम। जब इन नौ भावों को हम परिवार में दूसरों के साथ व्यक्त करके जीते हैं तो परिवार के लोग सुखी होते हैं और सिर्फ परिवार के लोग ही सुखी होते हैं कि हम भी सुखी होते हैं। हम भी सुखी होते हैं। ये दोनों सुखी हुए उसी को क्या कहा उभय सुख। ये जो उभय सुख हुआ ये ज्ञान होने की पहचान है। ये जो उभय सुख हुआ ये ज्ञान होने की पहचान है। ऐसा व्यवहार जिससे मैं भी व्यवहार करने वाला भी सुखी हुआ और जिसके साथ व्यवहार हुआ वो भी सुखी हुआ दोनों सुखी हुए इसी को क्या कहा दोनों में से सिर्फ एक ही सुखी हुआ एक सुखी नहीं हुआ तो फिर न्याय हुआ तो लेकिन हो सकता है न्याय पूरा नहीं हुआ। दो शब्द होते हैं एक शब्द होता है न्याय और एक शब्द होता है फैसला। फैसला डिसीजन एक शब्द है फैसला और एक शब्द है फैसला और न्याय या जस्टिस और डिसीजन बात करते तो फैसला और तो वैसे आप देखिए तो दो लोग हैं ना एक कोई बड़ा बड़ा है एक कोई बड़ा छोटा है तो बेटा भूख किसको लगेगी बड़े को ज्यादा कौन खाएगा ज्यादा कौन खाता है बड़ा शरीर उसका गलत मांस और गलत तरीके आ रहा है उसको भूख ज्यादा लगती है तो ज्यादा रोटियां खाता है तो थोड़ा छोटा है उसको भूख थोड़ी कम लगती है कम रोटी खाता है। तो मान लीजिए घर में छह रोटियां हैं और दो लोगों को भूख लगती है एक को चार रोटी की भूख है एक को दो रोटी की भूख है और जो खाना परोस रहा है जैसे मां खाना परोस रही है अब वो दो तरीके से खाना परोस रहा है बोले भाई दोनों को मेरे लिए बराबर ही तीन तुम ले लो एक तो जिसको चार रोटी की भूख थी उसको तीन मिली और जिसको दो रोटी की भूख थी उसको भी तीन तो एक ने एक रोटी बर्बाद कर दी एक की भूख तो ये न्याय हुआ कि अन्याय न्याय का बोला जिसको चार रोटी की भूख है उसको चार मिल रहा है जिसको दो रोटी की भूख है उसको तो ये क्या हुआ न्याय बराबर बराबर बंटवारा ये ज्ञान नहीं है बल्कि फैसला है। बराबर बराबर बंटवारा ज्ञान नहीं है बल्कि फैसला है। ज्ञान क्या है जिसको जितनी भूख है इतना अंतर समझ में आ रहा है। जैसे दोनों भाई एक जगह रहते दोनों में बंटवारा हुआ एक भाई की नौकरी लग गई राजस्थान में जहाँ पूरे समय करनी पड़ती है एक भाई की नौकरी लग गई हिमाचल प्रदेश में जहाँ पूरे समय अब समान का बंटवारा हो रहा है तो दो रजाई है तो बराबर बराबर बंटवारे में क्या होगा एक रजाई तुम ले लो एक रजाई अब राजस्थान वाला रजाई कर क्या करेगा और यहाँ जो उत्तराखंड तो वहां चला गया हिमाचल प्रदेश में वहां उसको दो रजाई की जरूरत है। कभी बराबर बराबर बंटवारा न्याय हुआ कि फैसला हुआ न्याय दोनों होता भाई बराबर बंटवारा हो उसकी जगह जिसको ठंड में ज्यादा जरूरत है वो दो रजाई ले जाए और जहाँ गर्मी ज्यादा है वो गर्मी के हिसाब वाले जो कपड़े हैं वो ले जाए। आवश्यकता के अनुसार बंटवारा न्याय बराबर बराबर बंटवारा न्याय नहीं है बल्कि अभी तक आप किसको न्याय मानते थे आपको लगता था बराबर बराबर बांट दो भले हम बांट में थे भले बांट गए ये न्याय नहीं हुआ। फैसले में दोनों सुखी हो जरूरी नहीं कोई सुखी भी हो सकता है कोई दुखी न्याय में दोनों सुखी हैं ये उसकी प्रक्रिया अंदर समझ में आया ऐसा क्या है हम सिर्फ परिवार में नहीं चाहते बल्कि परिवार से लेके कहां तक चाहते हैं विश्व परिवार से लेके विश्व परिवार तक हम ये ध्यान चाहते हैं
उसी विश्व परिवार का जो हम सोच रखते हैं उसी को नाम दिया परिवार। कहाँ परिवार में न्याय पूर्वक जीना भी पड़ा, लेकिन ये न्याय पूर्वक जीना जो परिवार को पड़ा, परिवार से लेके कहाँ तक चाहते हैं विश्व परिवार। तो विश्व परिवार तक हमने जो ये न्याय के बारे में सोचा, इसी विश्व परिवार को क्या कहा? किसी कहेंगे कमाल विश्व परिवार। विश्व परिवार कौन सा? जहाँ बहुत सारे परिवार साथ साथ न्याय पूर्वक जीने का प्रयास, ऐसे को क्या कहा? समाज।